प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने बाल महाभारत कथा की 8वीं कथा कर्ण पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने देखा कि कर्ण एक अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र था। उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध करने के लिए पुकारा, परंतु कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि युद्ध तो बराबर वालों में ही होता है। और यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। उसी वक्त दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया और भीष्म एवं धृतराष्ट्र से अनुमति मांगी। उसी रंगभूमि में कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंगदेश का राजा घोषित किया। यहाँ तक की कथा हमने पढ़ी थी। अब हम आगे की कथा पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कह कह मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? अभी यहाँ कर्ण को जब अंगदेश का राजा घोषित कर दिया, तो उसी वक्त जिसने कर्ण को पाला था वह बूढ़ा सारथी अधिरथ वहाँ पर लाठी टेकता हुआ डर के मारे कांपता हुआ सभा में आ गया, प्रविष्ट हुआ, यानी सभा में उसने प्रवेश किया। अब कर्ण अंगदेश का राजा बन गया था। उन्हें देखते ही कर्ण ने अपना धनुष नीचे रखा और उठकर खड़ा हुआ। वह उन्हें प्रणाम किया। उसने अधिरथ ने बेटे को भी गले लगा लिया और यह देखकर भीम जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। और तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने की योग्य हो गए? ऐसे भीम ने कर्ण से कहा। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। तो यहाँ पर जब भीम की बातें सुनकर सभा में खलबली मच गई और उस समय सूरज डूब रहा था और इस कारण सभा विसर्जित हो गई। अभी विसर्जित हो गई मतलब क्या? समाप्त हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में अपने अपनी पसंद के अनुसार सभी दर्शक अर्जुन, कर्ण तथा दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंगनरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। तो इस घटना से बहुत समय बाद
एक दिन इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिए। इंद्र को अर्जुन की रक्षा की चिंता थी और भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर संकट आ सकता है, यह उन्हें पता था इंद्र को, और इस कारण कर्ण की शक्ति को कम करने की इच्छा से, उसकी ताकत को कम करने की इच्छा से इंद्र ने उससे यह भिक्षा मांगी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इधर सूर्यदेव ने भी कर्ण को सावधान कर दिया था कि इंद्र तुम्हें धोखा देने के लिए ऐसी चाल चलाने वाले हैं। उन्हें पता था कि इंद्र जरूर ऐसी चाल चलाएगा, परंतु कर्ण इतना दानी था कि मांगने पर वह मना ही नहीं कर सकता था, ऐसा उसका दानी स्वभाव था। और इस बात को जानते हुए भी कर्ण ने इंद्र को अपना जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिया। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। तो इस अद्भुत दानवीरता को देख इंद्र एकदम चकित हुए और कर्ण की प्रशंसा करते हुए वे बोले कि कर्ण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। और कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार यानी नाश करने वाला शस्त्र आप मुझे प्रदान करें। ऐसे किसने कहा? कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। अभी बड़ी प्रसन्नता के साथ इंद्र कर्ण को शस्त्र देते हुए क्या बोले कि युद्ध में तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो, तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद वह शस्त्र हमारे पास वापस आ जाएगा। और इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। तो एक बार कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा से ब्राह्मण के वेश में किनके पास गया? परशुराम के पास गया और उसने उनसे प्रार्थना की कि उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की कृपा की। फिर परशुराम जी ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया।
एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूतपुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रणक्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धस जाएगा। एक दिन क्या हुआ, परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे और तभी एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, दर्द हुआ, परंतु गुरु की नींद भंग हो जाने के डर से उसने जरा भी अपना पैर हिलाया नहीं, बिल्कुल वह हिला नहीं। और खून से जब परशुराम का शरीर भीगने लगा तब उनकी नींद खुल गई। कर्ण के जांघ से बहते हुए खून को देखकर परशुराम ने पूछा कि बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण ने असली बात को छिपाया नहीं। उसने बताया कि मैं ब्राह्मण नहीं सूतपुत्र हूँ। और यह सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने उसे शाप दिया। किसे शाप दिया? कर्ण को शाप दिया कि तुमने मुझसे जो विद्या सीखी है वह तुम्हें अंत समय में किसी काम नहीं आएगी और ऐन वक्त तुम उसे भूल जाओगे और रणभूमि में तुम्हारे रथ का पहिया जमीन के अंदर धस जाएगा। ऐसे उसने उसे क्या दिया? शाप दिया। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने दो दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धस गया और वह धनुष बाण रख कर जमीन में धसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। अभी परशुराम जी का यह शाप झूठा नहीं निकला। कर्ण को गुरु ने दी हुई शिक्षा याद रही, परंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से जब वह युद्ध करने लगा तब कर्ण को वह विद्या याद नहीं रही।
दुर्योधन के मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण आहत का मतलब क्या है, घायल हो जाने पर दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। क्यों सेनापति कर्ण को बनाया? जब भीष्म और आचार्य द्रोण घायल हो गए तब उन्होंने कर्ण को सेनापति बनाया। कर्ण ने 2 दिन तक बड़ी कुशलता से युद्ध किया, फिर अंत में गुरु के शाप के कारण उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। उसी वक्त कर्ण ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और पहिया निकालने लगा, तभी उसी समय अर्जुन ने महारथी पर क्या किया, बाणों का प्रहार किया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। माता कुंती ने जब यह बात सुनी तब उसका हृदय दुख से बहुत रो पड़ा। और इसी प्रकार कर्ण ने सदा कौरवों का साथ दिया और कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। तो बच्चों, यहीं पर हमारी कर्ण की कथा समाप्त हो गई। तो आपको यह कर्ण की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।